तो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक दी न्यू वीडियो। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर ना तो हम कोई व्लॉग बनाने लगे हैं ना हम कुछ। इसके अंदर हम करेंगे एक अनबॉक्सिंग। वैसे थंबनेल देख के आपको समझ तो लग गई होगी किस चीज़ की करनी है। तो मुझे भेजा जी दराज ने एक पार्सल जो मैंने खुद बाय किया है। मजाक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दिन ये भी आएगा जब मुझे कोई चीज़ें आया करेंगी तो मैं उनका रिव्यू दिया करूँगा। ये मैंने मंगवाया था यार व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि ना आपको पता है बड़ा शोर होता है, हवा चल रही हो या कुछ भी हो तो फिर आवाज़ नहीं सही आती। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ मंगवाई है जी, वो ये है जी दराज से जो मैंने पार्सल मंगवाया। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो इसको खोल दिया जी, इसको हम करते हैं यूँ, ठीक हो गया जी। ये कुछ है जी ऐसा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है जी चीज़ जो है, ठीक हो गया। इसका नाम है जी वीडियो मेकिंग किट। इसके अंदर हमें मिल जाता है जी एक अदद वो जो होता है स्टैंड होता है वो मिल जाता है, एलईडी लाइट एंड माइक, और एक मोबाइल होल्डर जो होता है वो मिल जाता है, और एक अदद जिसके अंदर हमें बटन भी मिल जाता है, यानी कि जिससे आप ऑटो प्ले पॉज फोटो क्लिक कर सकते हो, नहीं करनी ना करो। तो ये मुझे पड़ा है जी 2500 का। तो अभी डिस्काउंट लगा हुआ था इसलिए मुझे 2500 का पड़ा है। अब ये नहीं पता ये आपको कितने का पड़ेगा, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा, मुझसे मांग लेना। तो बिना किसी देर से इसको शुरू करते हैं जी वीडियो को। तो जी इसको लिया जी हमने खोल, इसके अंदर और कुछ नहीं है तो इसको भी हम फेंक देते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर एक आधा हमें मिल जाता है जी, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो दो साइडें हैं, ये लग जाएगा जी माइक में, ये लग जाएगा आपके मोबाइल में। तो इसको मैं रखता हूँ एक साइड पे। इसके बाद आ जाते हैं जी इसके ऊपर, ये है जी एक अदद रिमोट जिसका मैंने जिक्र किया था अभी। तो ये वो चीज़ है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया था। इसके अंदर एक बटन हमें ये मिल जाता है, एक ये मिल जाता है। ये आई थिंक सो वीडियो के लिए है। हाँ दोनों काम कर सकते हो ना, दोनों से ही। और ये इसका बटन है जी, ये कुछ है जी इसके अंदर का हिस्सा, सेल भी बीच में मिल जाता है हमें इसके अंदर। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन क्या बात है भाई। तो इसको चल, इधर दराश नहीं आ रही। हाँ जी ये इसको मैं रखता हूँ जी फिलहाल एक साइड पे। इसके बाद आ जाते हैं जी इसके ऊपर, ये है जी मोबाइल होल्डर जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर मोबाइल लग जाता है, ठीक है। मैं भी क्या कह रहा हूँ, अलग पता सबको होता है इस चीज़ का। तो ये है जी इसके अंदर की कुछ चीज़, ठीक है जी। एक साइड ये हो जाती है, एक साइड ये होती है, यानी कि आप इसको यूं भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ है जी ऐसा दिखता है देखने पे। तो मुझे तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है। तो इसको भी फिलहाल रखता हूँ एक साइड पे। उसके बाद आ जाते हैं जी अपनी एलईडी के ऊपर, ये है जी एक अदद एलईडी। तो ये इसके कुछ सूरत हाल हैं, ठीक है जी। आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से, यानी कि डिफरेंट चीज़ें आप लगा सकते हो इसके ऊपर ना, जो इस हिसाब की होंगी। यार नाखून छोटे हैं तो तीन सेल डालते हैं जी, बारीक सेल। ये साथ नहीं आते, ये मैंने खुद डाले हुए हैं क्योंकि मैंने पहले इसको खोल के एक बारी चेक कर लिया था, तो फिर मैंने सेल निकाले ही नहीं थे। तो ये है जी कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर हमें मिल जाते हैं जी एक दो तीन मोड मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी लाइट मुझे तो लगी है जी, ये रोशनी देखने कैसी पड़ रही है। तो इसको भी फिलहाल रखते हैं एक साइड पर। उसके बाद आ जाता है जी ये माइक, ये भी मुझे कुछ बट ठीक ठाक क्वालिटी है, फोम भी है साथ में, ताकि वो जो साइड वाली नॉइज़ वगैरह जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होती हैं वो ताकि रिमूव हो जाए। तो
इसको भी मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ वापस। ये कुछ चीज़ है, तो ये यहाँ पे वो जैक लग जाएगा, जैक कहते हैं या जो भी कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है जी माइक, तो इसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं जी, कितनी कर लेता है वो साउंड को कम, जो साइड साउंड होते हैं ना। तो इसको भी फ़िलहाल मैं रखता हूँ साइड पे। तो फाइनली आ जाता है जी हमारा मेन चीज़, ये है जी गिम्बल कह लो इसे या जो भी कह लो, ये है जी वो चीज़। ठीक है जी, ये इसकी भी क्वालिटी मुझे कुछ ठीक ठाक लग रही है, यानी कि प्लास्टिक ठीक है, स्ट्रोंग है। ये है जी इसका कुछ, अच्छा जी इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको भी मैं एक साइड पर फेंक देता हूँ। ये कुछ हो जाता है जी, ये स्टैंड के रुख में भी आ जाता है, तो ये इस रुख में भी आ जाता है। ठीक हो गया, इसके हम ये दबाएंगे ना तो बटन, तो ये यूँ हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं वो जाता। ठीक हो गया, इसको अगर आपने पकड़ना भी है तो इसको आपने या तो यूँ पकड़ना है, या तो एक इसका तरीका ये है, ठीक हो गया पकड़ने का। और मज़ीद एक तरीका हो रहा है इसको जी रखने का, वो तरीका जो यूँ आप रख सकते हो। ठीक, ये व्लॉगिंग के काम आ जाएगा आपके, एंड और कह लो आप इसको ये उसके काम आ जाएगा आपका, कोई टिकटॉक वीडियो बनानी हो, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें करता हूँ। तो मुझे अभी तक आपने टिकटॉक पर सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो जाके मुझे फॉलो कर लें, वेले लोग उसका नाम होगा जी। तो वेले लोग के स्पेलिंग का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऐसे चैनल से देख के आपको पता आइडिया हो जाएगा। चैनल से मेरा मैं नीचे दे दूंगा लिंक उसका, इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा, मुझे दोनों जगह पर जाकर फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे यूट्यूब चैनल पर, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं बिना किसी अपनी वीडियो की तरफ। ये है जी कुछ यूं की चीज़, इस बटन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। तो करते हैं जी फिटिंग, सबसे पहले आ जाएगा जी हमारे पास एक ये स्टैंड होल्डर, तो इसको ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, ये वो जगह, ये ठीक है, इसके अंदर आप एक तरीका है इस तरह भी फिट कर सकते हैं, अगर आपने बैक कैमरे से करना है तो फिर आप इस तरह फिट कर दें। ठीक हो गया, मैंने क्योंकि बैक कैमरे से करके दिखाऊंगा आप सबको, तो मैं इसलिए इसको यूं फिट कर रहा हूं। तो इसको यूं टाइट कर देना है जब तक ये पक्का नहीं हो जाता, इतना भी टाइट ना करना कि इसकी चूड़ियाँ फ्री हो जाएं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था दो जगह होती हैं, एक सेकेंड, हाँ जी ये देखें जी, एक ये साइड से भी माइक लग जाएगा आपका, एंड वन साइड ये है, एक साइड ये होगी और एक साइड ये हो जाएगी। तो फिलहाल मैं लगाता हूँ जी इसको इसके और टॉप पे ही, इसको भी टाइट कर देते हैं। दैट्स गुड, ओके, मज़ीद और आगे जी इसको भी कर लेते हैं, ओपन तो करके रख देते हैं, फिट अभी नहीं करके दिखाऊंगा इसके ना, एक छोटा सा सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा, ये कुछ यूँ इसके अंदर फिट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखने पे जी कुछ आइडिया तो हो गया होगा आपको कि यूँ दिखता है। ठीक है, मैं एक बार इसका ये उतार लूँ, ये देखें जी ये चीज़ कुछ निकल के आती है फाइनल इसकी। ये आप देख रहे हैं, आप ये बैक कैमरे के लिए है। अब ये जिस ना कि ये आपका ये होल्डर है, ये देख रहे हैं आप, ये ठीक हो गया। अब इसका क्या होगा जी, अब आप बैक कैमरे से जब कर रहे होंगे, सही बात है, जब उसका होल्डर, जब ये वाला होल्डर उसका उस साइड को रोक है, तो बैक कैमरा जब आपने खोलना तो बैक कैमरा तो इस साइड पर होगा ना कि उस साइड पर होगा। तो अगर उस साइड पर होगा तो स्क्रीन अंदर आ जाएगी, तो ये तो खैर सबको पता होता है, मैं भी पता नहीं क्या अजीब बातें कर रहा हूँ। तो यूँ कुछ होगा जी, इसके अंदर तीन फंक्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक, ये दो, ये तीन। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जब आप व्लॉगिंग आ रहे होंगे, ये ऐसे कुछ आपको देगा एंगल ये। और अगर देखा जाए तो इसको अगर हम स्टैंड बना दें तो ये कुछ चीज़ बन जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी साउंड क्वालिटी भी, और इसका मज़ीद और दिखाता हूँ कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है, किस तरह की चीज़ है, क्या डिफरेंस है। तो मैं इसका माइक का भी आपको साउंड सुनाता हूँ, मैं एक बार इसको बंद कर लूँ, तो 2 मिनट दें मुझे, मैं भी आपको दिखाता हूँ।
तो ये इसका जी फर्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं जी। पता नहीं मुझे अब नहीं समझ लग रही किस तरह आ रही है फुटेज, किस तरह नहीं आ रही। तो ये इसकी फ़र्स्ट लाइट है और ये इसी के माइक से अब रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। तो मुझे लाजमी बताना कि आपको साउंड कैसा लगा। अब इसका एक और फंक्शन भी है, दो बटन और हैं, वो दबाते हैं। ये देखें मज़ीद और तेज़ होगी, ये एक और दबाया ये और तेज़ होगी थोड़ी सी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का एंगल देगा आपको जब आप बना रहे होंगे व्लॉग या कोई टिकटॉक वीडियो, वो स्टैंड स्टूम, बाकी आपको आइडिया हो गया। बाकी इस माइक का मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि इसका साउंड आपको माइक का कैसा लगा। तो मैं ऐसा कि आपने इसको देख लिया ये किस क्वालिटी में है, किस तरह का है, क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जी हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप बेशुमार लाइक देंगे, उम्मीद है कि आप प्यार दिखाएंगे ताकि मुझे और आए इस तरह का कि मैं और वीडियो बनाऊँ। क्योंकि यार आप ना सब्सक्राइब करते हैं ना कुछ करते हैं, तो मैं आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस बारे में। तो अभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरा इंस्टाग्राम भी जाके फॉलो कर लें, मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।